नमस्कार, चमकते सितारे में आपका स्वागत है। मैं विश्वेंदु जयपुरिया। हजारीबाग को अविभाजित बिहार का शिमला कहा जाता रहा है। बहुत सुंदर जगह है ये, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, पर हम जब यहाँ घूमने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हमारे साथ जो आज एक शख्सियत है मृत्युंजय शर्मा, वो अपने आसपास की चीज़ों पर ना सिर्फ नज़र रखते हैं बल्कि उस पर शोध भी करते हैं। और यही वजह है कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इन्हें जगह मिला है। इन्होंने हजारीबाग के कन्हरी पहाड़ के फुटहिल्स पर टॉलेस्ट एंट हिल की खोज की है, जिसे चीटियों का बांबी कह सकते हैं। तो मृत्युंजय शर्मा हमारे साथ है, आइए जानते हैं इनके बारे में। स्वागत है मृत्युंजय जी आपका। सबसे पहले जानना चाहेंगे, आपने कन्हरी पहाड़ में बहुत तरह की खोज की है, कई तरह की तितलियों को खोजा है आपने, बहुत तरह के कीट पतंगों को खोजा, तो ये शुरुआत कहाँ से हुई? विश्वेंदु जी, शुरुआत कहाँ से हुई ऐसा नहीं है, हमने नहीं खोजा है। ऐसा है कि अब हमारे अंदर जो है खोजने की प्रवृत्ति खत्म हो गई है। पहले होता क्या था कि अंग्रेज लोग के समय में या ब्रिटिश में एक गजट का वो प्रकाशन होता था हर जिला में, तो गजट में होता क्या था कि वहाँ के जो भी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जो भी अफसर थे, उनका ये ड्यूटी होता था कि उस ज़िले की हर घटना को, हर चीज़ को लिस्टेड करें। तो लिस्टिंग का हमारे पास आजकल के डेट में लिस्टिंग का कैपेसिटी ख़त्म हो गया हर आदमी में, और जिनको लिस्टिंग करने का जो जिम्मा दिया गया है वे लोग ये काम करते नहीं हैं। जैसे कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, जो भी प्रशासनिक अधिकारी, उनको चाहिए लिस्टिंग करना। तो हम देखें कि एक अभाव है, गैप हो गया है, बिल्कुल बहुत दिनों से गैप है। हम ये जान नहीं पाते हैं कि हमारे आसपास असल में ये जो है, गैप क्या है, ये गैप जो है ये बिल्कुल अलग बात है। लेकिन आपने तो शोध किया है, आपको शोध किया तो हमने देखा कि तो सबसे पहले आप दर्शकों को बताइए कि ये शोध जो आपका है वो कहाँ से शुरू हुई है, पूरी शोध आपकी? हमारा शोध शुरू हुआ बचपन से, जंगल में हम देखते थे कि हमारे आसपास असल में है क्या, हम ये नहीं जान पाते हैं। तो हमने सोचा कि कम से कम हमारे आसपास है क्या, इसका एक होना चाहिए हमारे पास डाटा, कौन चीज़ बचा हुआ है, कौन चीज़ ख़त्म हो गया, कौन चीज़ पहले मिलता था, कौन अब नहीं मिलता। तो इसका कोई आंकड़ा या कोई डाटा नहीं कोई इकट्ठा कर पाया, तो हमने सोचा। और एक बात और है विश्वेंदु जी, कि जंगल के प्रति हम नीरस होते जा रहे हैं। जैसे जंगलों के प्रति हमारा मानना है कि बाघ, चीता, भालू, बड़े जानवर से सिर्फ देखते थे बचपन से। अगर आप यहाँ से नेशनल पार्क जाइए बच्चों को लेकर, वहाँ कुछ नहीं दिखेगा तो आप निराश होकर लौटते हैं कि दिन भर घूमे, आज देखो ना कुछ नहीं मिला देखने के लिए। तो बड़े जानवर धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। तो हम सोचे कि जंगल के प्रति हम इतने उदास, देखिए जब कोई भी चीज़ को आप जानिएगा तभी उससे आप प्यार कर पाइएगा। तो हमने सोचा कि जंगल से आजकल नीरस क्यों होते जा रहे हैं, हमारी नई पीढ़ी हो या हम हो, जंगल। तो हमने सोचा इसको एक रोचकता प्रदान किया जाए कि नहीं, जंगल में आज भी बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत चीज़ हैं, और हम जब भी जंगल में जाएं तो कुछ न कुछ वहाँ से सुंदर चीज़ को देख के ही वापस लौटें। तो इसीलिए हम सोचे कि छोटे छोटे चीज़ को खोजना शुरू किए। बहुत सारी तितलियाँ हैं, बीटल हैं, स्पाइडर हैं, जो मिलते हैं हमारे आसपास, जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं। तो हमारा प्रयास है कि आज के युग में हर चीज़ एक नया डायमेंशन से हम देख रहे हैं। हम एक नए नेट के युग में आ गए, हमारा ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम सुधर गया, हर चीज़ सुधर गया, एजुकेशन का सिस्टम सुधर गया। तो हमारा सोचने का जंगल के प्रति नज़रिया भी एक नया डायमेंशन दिया जाए इसको। और ये आपकी 20 सालों में सबसे बड़ी उपलब्धि रही एंट हिल को खोजना, नहीं तो चीटी की जो बांबी है जिसको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक जगह मिला। आपसे समझना चाहेंगे कि वो आपने कैसे खोजा था? एंट हिल को ही हमने नहीं खोजा, हम कम से कम मतलब अपने आसपास के चीज़ों में 50 से ज़्यादा ऊपर के चीज़ को हम खोजे हैं। और हम खोजते हैं तो उनको पहले एक छोटा सा नाम देते हैं, जैसे एक भूतिया पेड़ हम लोग नाम दिए हैं, जो दारू के आगे गांव में है, सड़क के किनारे ही है, वो बरगद का पेड़ है, उसको भूतिया पेड़, घोष ट्री नाम दिए। घोष ट्री नाम इसलिए हम देते हैं कि एक नाम रोचकता के लिए देते हैं कि लोग को इंटरेस्ट जगे उसमें। तो घोष ट्री जो खोजे वो बरगद का पेड़, उसमें आजकल का नया लोग जाकर सेल्फी उल्फी लेता है। फिर हम लोग जगह के आसपास के जगह को रोचक बनाने के लिए, जैसे लारा नदी है, बौधा डैम है, जाते हैं। अभी इचाक के पास कुटुम सुकड़ी एक गांव है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा सेमल का पेड़ है वहाँ पे, उसको हम लोग ही डिस्कवर किए। हालांकि वो पेड़ बहुत लोग आते जाते देखते हैं, लेकिन हम सोचे कि नहीं, इसको देखा जाए कि आखिर इसका साइज इतना बड़ा है। फिर हम लोग उसको नेट पे डाले तो हुआ कि नहीं, इसका साइज और उसका है वो 52 फीट उसका घेरा है, गोलाई है नीचे, जबकि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट उत्तराखंड में है, उसका 54 फीट है गेट, जो सेमल को छोड़ के मतलब और पेड़ में नहीं आ सकता है इतना बड़ा, बरगद को छोड़ के सबसे बड़ा पेड़ है वो।
तो हम लोग उसको एक नाम देते हैं पहले, उसके बाद हम लोग प्रशासन को सूचना दे देते हैं कि भाई आपके यहाँ ये चीज़ है, क्योंकि हम तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें, हम तो आपको बता सकते हैं कि आपके पास ये चीज़ है, करना तो फिर और लोग को है जिनको अथॉरिटी है सरकार में जो है, वो लोग करें उसको कुछ। लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, 2 साल से ज़्यादा हो गया। हम लोगों ने DDC को लिखा, DC को लिखा कि भाई जाक मैसा है उस पेड़ को आप लोग एक कीजिए, और आपको आश्चर्य होगा कि उसका जो पहला पेड़ है, जैसे अभी राजस्थान में एक सबसे बड़ा नीम का पेड़ है वो लोग खोजा है इंडिया का, उसको जाके देखिए कितना अच्छा से उसका घेराबंदी किया, वहाँ बोर्ड लगाया, टूरिस्ट लोग वहाँ आते हैं देखने उसको। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो हमें अफसोस भी होता है, लेकिन हम उससे नहीं करते, हमें अपना काम करना है, हमको बताना है, आज नहीं तो कुछ कल कुछ तो खोज के निकालें हम लोग इस जंगल से। इसी में हम दीमक का ऊंचा टीला भी मिला हमको, उसको भी हाइट है, जब हम देखे बहुत लोग उसको देखा होगा लेकिन कोई नोटिस नहीं किया। तो हमारा यही मानना है कि जंगल में सबसे ऊंचा पेड़, सबसे ऊंचा पत्थर, पहाड़, झरना, नदी को हम खोज के निकालें कि भाई आप आइए तो इसको भी देखिए आप यहाँ पे आके। कन्हरी पहाड़ पर आपने काफ़ी शोध किया है और वहाँ पे तरह तरह की तितलियाँ आपको मिली है, जो पिकॉक पेंसी है वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत तितली उसको माना जाता है, तो वजह क्या है कि कन्हरी में इस तरह से कई तरह के मौत मिलते हैं, कई तरह की तितलियाँ मिलती है, इसके पीछे की वजह क्या है कि इतना समृद्ध क्यों है ये कन्हरी? हमारे कन्हरी के पीछे या कोई भी जंगल के पीछे हमको पीछे में जाना होगा इतिहास में थोड़ा सा। पहले क्या होता था कि ब्रिटिश लोग कुछ प्रजातियों को ला के यहाँ छोड़े हैं, हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि उनका छोड़ा हुआ। पहले के लोग शौकीन होते थे, जैसे आप आज भी नेतरहाट जाइए या हजारीबाग के जंगलों में जाइएगा तो पाइन का ट्री मिल जाएगा आपको, तो वो लोग जंगल में ले जा कर लगाते थे नए नए ट्री को, उन लोग को शौक होता था, जैसे वीकेंड पे जाके बीज को अगर खाए तो उसको ले जाके कहीं गाड़ दिए, रोप दिए। तो कुछ प्रजातियों को कुछ ऑस्ट्रेलिया से ला के, कुछ ब्रिटेन से ला के उन लोगों ने यहाँ छोड़ा होगा उस समय, जिसके अभी भी कुछ प्रजातियों के कुछ अंश मिलते हैं हमें और मिले। अगर हम उसको फोटो लेके हम अगर डाले नेट पे तो सब लोग बोला कि तो ऑस्ट्रेलियन, जैसे लूना मॉथ है, लूना मॉथ इधर नहीं मिलता है ग्रीन कलर का, वो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति है जो यहाँ हमको मिला कन्हरी में। तो ऐसे खोजने से हम अगर देखते हैं तो बहुत सारा चीज़ को हम खोज के निकाल पाते हैं ढूंढ के, और हमें लगता है कि कैसे होंगे वो लोग जो इतना शौकीन थे कि कुछ प्रजातियों को ला के इधर से उधर ले जाकर वो लोग ट्रांसप्लांट करते थे, छोड़ते थे। पेड़ में भी आप ट्री के बारे में भी देखिएगा, बहुत सारा ट्री है, जैसे अंदर में मिलेगा वही अंदर में आम का पेड़ मिल जाएगा, पाइन का पेड़, तो किसी ने कोई ना कोई ला के लगाया होगा आज से 50 साल पहले उसको। तो हमें भी वो प्रवृत्ति हमें भी सीखना चाहिए, हमारे आने वाली पीढ़ी में ये चीज़ आनी चाहिए कि जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसके बीज को रखें और वीकेंड में कहीं भी जाएं अपने गार्जियन को आप बोलिए कि पापा चलिए हम इतना बीज इकट्ठा किए कहीं लगा के आते हैं। और इसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1-2 घंटा टाइम देना है, उसमें आपका कम से कम 10 पेड़ का बीज लगाइए, 2 पेड़ भी हो जाता है तो बहुत अच्छा आपके लिए है। एक सीतागढ़ एक जगह है यहाँ पे, तो मैं अभी वहाँ जा रहा था तो मुझे सीतागढ़ जाने के दौरान डांसिंग फॉरेस्ट मिला जो कि आपकी खोज है जी। सामान्य तौर पर अगर मैं ऐसे जाता और साल की उन वृक्षों को देखता तो शायद मेरा ध्यान उस पर नहीं जाता, लेकिन आपने खोजा था, तो कैसे ये ध्यान चला जाता है कि ये जो पेड़ है बहुत अनयूजुअल वे में है, ये डांसिंग मोड में है ये पूरा पेड़, तो ये आपने कैसे खोजा इसको? हम एक चीज़ देखे कि आसपास के गांव वाले लोग, जैसे बहुत सारे इंटीरियर इलाका है, बहुत सारे अंदर में गांव है या सड़क है, हम लोग सिर्फ सड़क से आते जाते हैं, तो हम सोचे कि नहीं, हर गांव के आसपास कुछ ऐसा 2-4 जगह खोज दिया जाए और लोग को उसका प्रचार किया जाए कि भाई यहाँ पे ये चीज़ मिलता है। डांसिंग फॉरेस्ट एक्चुअली में आपको बहुत जगह मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि रांची तरफ जाइए या सकुआ का जो भी कटा हुआ जंगल रहता है, लेकिन यहाँ पे चुरचू के पास देखे कि यहाँ का डांसिंग फॉरेस्ट हमको थोड़ा सा अच्छा लगा, क्योंकि घना भी है और सुंदर भी है, थोड़ा यहाँ का पेड़ ज़्यादा मुड़ा हुआ है, तो उसको एक डांसिंग फॉरेस्ट नाम दिए ताकि चुरचू आने वाले लोग, या फिर हमारा मानना है कि जैसे आप लारा नदी या कोई एक जगह घूमने जा रहे हैं, जैसे नेशनल पार्क है या फिर आपका यहाँ पर इसको का गुफा है, तो आप एक चीज़ वहाँ नहीं देखें बल्कि रास्ते में 2-4 चीज़ और देखते हुए वहाँ पहुँचें, तो उसमें होगा क्या कि एक जर्नी पूरा आपका बनेगा बहुत खूबसूरत। तो इसलिए हम लोग उसको डांसिंग फॉरेस्ट, हम बोलता है कि आपको एक उस जंगल को या कोई भी चीज़ को एक नाम हम लोग दे देते हैं और नाम दे के उसका प्रचार शुरू करते हैं। चाहे ऐसे नाम नहीं देंगे तब तो कैसे कहेंगे कि कौन सा चीज़ देखने जाइए,
तो जैसे उसका डांसिंग ट्री हो गया, फिर उसके बाद घोष ट्री हो गया, भूतिया पेड़। जैसे भूतिया पेड़ बोलने से नया जनरेशन में बहुत अच्छा इंटरेस्ट जगता है कि भाई भूतिया पेड़ क्यों है। तो इस तरह से छोटा छोटा नाम देते हैं। डांसिंग फॉरेस्ट वाकई में बहुत खूबसूरत जगह है और फोटोग्राफी या कोई भी नया जनरेशन उसको देख के और अच्छा ही समझेगा, इसलिए हम लोग उसको खोजते हैं। आपने बहुत सारी चीज़ों को खोजा है हजारीबाग में और आसपास के इलाकों में, लेकिन कभी सरकार का ध्यान नहीं जाता है उस ओर, जबकि हम विदेशों में देखते हैं कि कुछ छोटा छोटा चीज़ मिलता है उसको उस तरीके से डेवलप कर दिया जाता है तो वो एक अट्रैक्शन का रूप ले लेता है टूरिस्टों के बीच में, लेकिन झारखंड या कहीं इंडिया में इसका अभाव है, तो कितना तकलीफ़ देता है आपको ये? तकलीफ तो देता है, लेकिन ऐसा है कि हमें तकलीफ नहीं देता, हमें बल्कि दया लगता है कि कितना विजन का कितना कमी है लोगों में, और सही में विजन का कमी है हमारे पास। और विजन अगर रहेगा आपको तो विजन, हम अपना काम करते हैं। हमें शुरू में तकलीफ देता था कि ये लोग कोई काम नहीं, हम उनको खोज के बता रहे हैं इको टूरिज्म डेवलप करने के लिए इतना ये लोग, लेकिन हमको फिर बाद में दुख नहीं लगता, अब दुख नहीं लगता, शुरू में कुछ दिन लगा था, इसलिए कि हमको लगता है विश्वेंदु जी कि विजन का अभाव है हमारे पास। बिल्कुल विजन का अभाव है, और बाकी हमको लगता है कि इतना पढ़ लिख के आए कोई ऊँचे पद पर हैं या फिर बहुत बड़े, वो लोग बाहर भीतर घूमते हैं, वो लोग तो सब चीज़ देखते हैं, विजन हमारे पास विजन आके यहाँ कम कैसे हो जाता है। आप देखिए कि आप कोई भी अवेयरनेस के लिए आप कार्यक्रम चलाइए, अवेयरनेस में क्या है कि किस लेवल पे अवेयरनेस करना है, हमको आज तक ही पता नहीं चला। पढ़े लिखे लोग के बीच में करना है कि अनपढ़ के बीच में करना है कि बच्चा के बीच में करना है, किस लेवल का चाहिए अवेयरनेस लोगों में, हम सिर्फ खोज के बताते हैं। और बाहर के देशों में बहुत छोटा छोटा चीज़ वो लोग संरक्षित करता है, बहुत अच्छा चट्टान देखेगा उसको एक अच्छा सा नाम दे देगा, उसको संरक्षित कर देगा पार्क में। तो हम केवल जानवरों के पर ही भटके हुए हैं कि भाई पार्क है तो जानवर पर चिंता करो, जानवर के बारे में सोचो, और जानवर बचे नहीं हैं अब तो, हमारा जानवर कहीं नहीं है। हम आज तक 20 साल से जंगल में काम किया, आज तक हमको कोई जानवर नहीं दिखा। हम लोग कहने के लिए, गिनती के लिए भले बोल दें कि यहाँ पे हिरन है, बाघ है, शेर है, लेकिन कुछ नहीं दिखता, नहीं है कुछ। तो विजन का अभाव है विश्वेंदु जी। अभिभावक भी बच्चों को तो बताते नहीं है नेचर के बारे में, दूर होते जा रहे हैं बच्चे। आप लोगों ने बहुत सारा अभियान भी चलाया, क्लीन द हिल और बहुत सारे अभियान चले वो अभी, आप लोग स्कूलों में भी बहुत बार अवेयरनेस कैंप भी लगाए, लेकिन उसका कुछ प्रभाव पड़ता दिखता है? अब हमारा एक मानना था कि जैसे कि हर जगह योगा क्लास, डांस क्लास, ड्राइंग क्लास होता है, तो एक नेचर क्लास भी इस बच्चा लोग में होना चाहिए। तो हम लोग कनहरी में एक नेचर क्लास करके स्टार्ट किए थे। विश्वेंदु जी आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसमें आजकल के बच्चे 7, 8 और 9 के बच्चे पलाश का पेड़ और सखुआ का पेड़ और सागवन का पेड़ तक नहीं पहचान पाते हैं। उनको क्या शिक्षा दे रहे हैं हम, क्या जंगल से और पर्यावरण से उनको प्यार होगा और प्रेम होगा जब उनके बारे में हम जान ही नहीं रहे हैं। मतलब हमको देख के आश्चर्य हुआ, यहाँ के अच्छे स्कूल के बच्चे में यह हाल है, उनको पलाश के पेड़ के बारे में बताया गया, हम दिखाए उनको, बताए वो पूछे कि भाई ये कौन सा पेड़ है, तो बोले अंकल हम लोग नहीं जानते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि हमारे क्लास में उस समय के तत्काल DC साहब थे रविंद्र शुक्ला जी, रविशंकर शुक्ला जी, तो वो भी आए थे, और DIG साहब थे पंकज कंबोज, वो भी आए थे। तो ये लोग आके बोले कि मृत्युंजय जी आप ये नेचर क्लास स्कूल के लिए क्यों चला रही, तो हम लोग के लिए भी ज़रूरी है। सो बहुत सारे चीज़ तो हम लोग भी इसमें से नहीं जान पा रहे हैं कि है क्या। तो वो एक होता है कि सही में उन्होंने स्वीकार किया कि हमारा सच में नेचर के प्रति अभी इसके प्रति अवेयरनेस कम है, चूँकि हम भी खुद नहीं बता पा रहे हैं आपको कि सच में किस चीज़ का पेड़ है, जबकि हमारे कैंपस में होगा ही ज़रूर, आसपास होगा। तो नेचर क्लास बोले कि तो सबके लिए ज़रूरी है, बड़ा लोग के लिए भी है। तो हम लोग उसको चलाए, थोड़ा सा अवेयरनेस तो आया, आजकल की जनरेशन में थोड़ा सा अवेयरनेस आया है कि वो लोग थोड़ा सा कोई भी बात को समझते हैं, लेकिन हमारा बीच का जो जनरेशन था ना, जो वो गड़बड़ हो गया पूरा। ओल्ड एज वाले लोग तो समझते थे, लेकिन ये आपका आप मतलब समझिए 80 से लेके आपका 2000 या 90 तक का दशक का जो 10 साल का जो जनरेशन आया, वो जनरेशन में थोड़ा सा गैप हुआ नेचर के प्रति या कोई भी चीज़ के प्रति, जो भी गैप आया है उसी जनरेशन के अंदर आया गैप। आप ऐसा वाच करके देखिएगा हर चीज़ में, 80 से 90 के दशक का जो जनरेशन था वो बिल्कुल गैप वाला दशक था, फिर नया दशक जैसे अभी आ रहा है, अभी के बच्चे में अवेयरनेस है कोई भी चीज़ के बारे में, कम से कम उन लोग को बुलाने से या कहीं बुलाइएगा या कोई साफ सफाई के लिए तो लोग जुटते हैं, आ जाते हैं, वो लोग में है ये चीज़।
बिल्कुल, आपके 20 साल हो रहे हैं पूरे ये काम करते हुए, शोध करते हुए, जो स्वतंत्र तरीके से आप कर रहे हैं, तो किताब लिखने की भी आपकी योजना है, क्या उसमें कुछ कर रहे हैं आप? हमने उसके बाद हमने छोटे छोटे चीज़ों को, इंसेक्ट को कलेक्ट किया चारों तरफ से फोटोग्राफ्स के माध्यम से, और एक लिस्टिंग किया। जैसे हमारा स्पाइडर ऑफ झारखंड एक करके बुक भी छपा था, जिसको पिछले बार मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने विश्व पर्यावरण दिवस के दिन लॉन्च किया था खेलगांव में, और 5 जून को। तो उसी टाइप से हम सोचने, हमारे पास रेडी है, जैसे स्पाइडर ऑफ झारखंड उसको हम 5 वॉल्यूम में किए हैं, उसके बाद बीटल ऑफ झारखंड करके है, फिर बटरफ्लाई और मॉथ है, फ्लाई और बी है, कैटरपिलर ऑफ झारखंड है, करके हम 5 वॉल्यूम का एक बुक फॉर्म तैयार करें। हमारे पास करीब डाटा सारा कलेक्ट हो चुका है जो हमारे आसपास मिलते हैं। और छोटे इंसेक्ट के बारे में हमारा रुचि इसलिए जगह कि अब जंगल में बड़े जानवर या कुछ देखने के लिए है नहीं, तो हमने सोचा कि जंगल को रोचकता कैसे दिया जाए, तो हमने सोचा कि छोटे छोटे इंसेक्ट के बारे में हम बताएंगे लोगों को कि आप जंगल में आइए तो इन चीज़ों को देखिए, बीटल को देखिए, सुंदर सुंदर बीटल मिलते हैं, ज्वेल बीटल है, बिल्कुल गोल्डन कलर का, गोल्डन टर्टवाइज बीटल है, तो इससे नया जनरेशन में एक इंटरेस्ट आएगा। और जब आप किसी को जानिएगा तभी उससे आप प्यार कर पाइएगा, जब तक जानिएगा नहीं तब तक प्यार ही नहीं हो पाएगा उससे। और आजकल सबसे विडम्बना यह है कि हमारे यहाँ पर्यावरण का मतलब सिर्फ पेड़ लगाने से लोग जोड़ के देखते हैं, जबकि ऐसा बात नहीं है। हमारा मानना है कि पर्यावरण तो सब चीज़ को मिला के बनता है। अगर आप एक बल्ब पोल पे जल रहा है दिन भर, उस बल्ब को आप स्विच ऑफ कर देते हैं तो भी आप पर्यावरण के लिए एक काम किए आप। लेकिन हम लोग का क्या है विश्वेंदु जी, कि हम लोग पेड़ लगा के सोच लेते हैं कि पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा काम कर दिए। और जो आदमी पेड़ अगर हम आज लगाए और 10 किलो पॉलीथीन अगर हम कचरा फेंक दिए कहीं भी जाके, तो क्या पर्यावरण पर काम किए? कुछ नहीं किए हम। आप तो जितना पेड़ लगा के फायदा नहीं किए, उससे ज़्यादा नुकसान आप फैला रहे हैं। अच्छा, आजकल देखिए होता क्या है विश्वेंदु जी, हमारे मन में बैठ जाता है कि जैसे किसी से भी आप पूछिएगा तो लोगों में एक धारणा है कि यहाँ माइनिंग हो रहा है, यहाँ पर कोल एरिया खुल गया, कोल फील्ड खुल गया, जिसके चलते हमारा सब चीज़ बर्बाद हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। आप कोल फील्ड आपका खुला है, लेकिन ठीक है कोल फील्ड वहाँ खुला है, आप अगर कन्हैरी में पिकनिक मनाने जाते हैं, वहाँ 10 किलो कचरा छोड़ के आते हैं, उससे कोल फील्ड को क्या मतलब है? आप अपना बिहेवियर को सुधारिए ना। आप कोल फील्ड को दोष देते हैं कि हमारा प्रदूषण कर रहा है, प्रदूषण फैला रहा है, पहले कोयला खदान नहीं था, बड़का गांव का एरिया पर पुराना पड़ गया। आप अपने कचरा घर के आसपास फेंकते हैं, उसको आप सुधारिए, कोल फील्ड उसमें आके क्या करेगा आपको? तो हमारे अंदर एक चीज़ देखते हैं कि संतोष की भावना होती है कि हम गंदगी कर रहे हैं तो क्या हुआ, वो भी तो कर रहा है वहाँ पे, तो ये तो हमारे अंदर संतुष्टि की भावना हुई कि भाई कोल फील्ड गंदा कर रहा है इसलिए हम यहाँ गंदा कर रहे हैं, आपका सड़क गुजर गया कन्हैरी से 4 लेन गुजर गया इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? आप यूरोपियन कंट्री में जाइए, हर जगह जाइए, सड़क के किनारे इतना डेंस फॉरेस्ट रहता है, इतना घना घना फॉरेस्ट मिलेगा आपको, और उससे क्या, सड़क भी गुजरेगा फॉरेस्ट भी रहेगा। हम मानसिकता को चेंज करें थोड़ा सा, सड़क के साथ साथ हम उसको लेके चलें फॉरेस्ट को, उसको साफ, कन्हैरी में अगर हम पत्तल प्लेट फेंके गंदगी फैलाएं, साफ करें उसको, कन्हैरी के बगल से रास्ता गुजरा है तो विकास भी तो होना जरूरी है। आपने कन्हैरी की चर्चा की तो कन्हैरी को मैं हमेशा हजारीबाग का हिमालय कहता हूँ, क्योंकि वो जो जगह है हजारीबाग में कोई मैच नहीं है उसका, कोई वैसा दूसरा जगह नहीं है। अंग्रेज भी जब आए थे उनको वो जगह इतनी पसंद आई थी, जैसा आपने कहा कि बहुत तरह की तितलियों की स्पीसीज, मौत की स्पीसीज लाके वहाँ उन लोगों ने छोड़ा, वहाँ का सनराइज भी बहुत जबरदस्त है जैसा कि आप बताते हैं। कुछ जानना चाहेंगे कन्हैरी के बारे में, आप इतना सालों से आपने शोध किया है वहाँ पे, कन्हैरी के बारे में हम विश्वेंदु जी एक ही बात बताएंगे जो फैक्ट है, जो हम फील किए कन्हैरी के बारे में। कन्हैरी पूरा इंडिया में, पूरा भारत में एक अपने आप में कन्हैरी बायोडायवर्सिटी का और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। और हम नहीं समझते हैं कि अभी तक अपने जीवन में, हमारे फादर भी फॉरेस्ट में ही थे, हम बचपन से जंगलों में, बहुत जंगल में, हमारा जन्म भी जंगल में ही हुआ, और कन्हैरी जितना कम्पैक्ट डिस्क कर सकते हैं कन्हैरी को, एक कम्पैक्ट डिस्क से तो उसके तुलना कर सकते हैं, जितना तरह के वैरायटी कन्हैरी में हम देखें, चाहे जो भी हो स्पाइडर का हो या कुछ हो, मतलब कि वो समझिए अपने आप में एक पूरा है कन्हैरी,
कनेरी की तुलना कहीं और के बायोडाइवर्सिटी या कहीं और किसी पहाड़ से नहीं की जा सकती। और हमारा ये गर्व का बात है कि शहर के इतना नज़दीक होते हुए इतना रिच बायोडाइवर्सिटी हमको मिला हुआ है। कनेरी ही नहीं, हजारीबाग झील को भी आप देखिए, झील में बड़ी झील जो है जिसका डाइवर्सिटी बहुत रिच है, उस समय झील की जब बड़ी झील की साफ सफाई हो रही थी यहाँ पे कुछ लोग शहर के, तो हमने उसका उसको इसीलिए विरोध किया था उसका। हम बोले आप छोटे झील में जो भी करना है करो, बाकी झील में करो, एक झील को कम से कम छोड़ दिया जाए। और सही में वाटर बर्ड हैं या जो भी हैं उसका बायोडाइवर्सिटी, एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है बड़ी झील का। हम कनेरी की बात करें तो लोगों का कहना है कि 4 लेन जो वहाँ से निकल गई तो अब संभावना खत्म हो गया कनेरी को डेवलप करने का। नहीं, ये ऐसा बात नहीं, ये हमारा बोले तो कि ये संतुष्टि करना हुआ। आप अगर कुछ नहीं करना चाह रहे हैं तो आपसे अगर पूछा जाए कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं, तो भैया वहाँ से सड़क निकल गया, ऐसा कुछ नहीं है। सड़क निकल गया उसके बाद भी तो आपके पास बहुत ढेर सारा एरिया बचा हुआ है, उसको आप देखें ना, उसको करें। आप विकास के साथ उसका तालमेल बैठा के चलें, विकास का विरोधी नहीं हम लोग, शुरू से आज तक कभी विरोध नहीं कि हम लोग को लोग बोलता है हमको कि आप कनेरी पर रोड निकलवा दिए, आपको कुछ करना चाहिए था। हम बोले नहीं, रोड निकला तो ठीक है, रोड के साथ साथ हम उसको डेवलप करें, उसको अच्छा से उसको संजो के रखें। तो हम उस चीज़ को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा हमको, उस मेहनत के डर से भागने के लिए हम लोग इस तरह का बात करते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है कुछ? ट्रांस हाईवे जितना भी वर्ल्ड का फेमस जो हाईवे है वो फॉरेस्ट से ही हो, बिना फॉरेस्ट का कहाँ, उसको कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से गुजरना ही है फिर उसको। लेकिन हाँ, उसको आप देखिए, जैसे कि अब यहाँ पे विजन का कमी आपको हम बताएं तो कनेरी में हम बताए NH वाले से बात हुई, हम लोग उसमें रखे थे एक चीज़ कि खूबसूरत बनाने का विजन कैसे आदमी का होता है। तो हम लोग बोले कि कोई एक तरह का फ्लावरिंग प्लांट जैसे हम लोग यूरोप तरफ या कहीं देखते हैं, जैसे मल्ब का लीफ हो गया या फिर जैसे चेरी का, चेरी उत्सव तो बहुत, चेरी का लोग फेस्टिवल ही मनाता है, जब चेरी का फ्लावर वाइट कलर से पूरा जंगल हो जाता है। तो हम बोले कि कनेरी के आसपास जो भी चीज़ रोड, सड़क किनारे जो भी रोड गुजरा उसके आसपास कुछ फ्लावरिंग प्लांट लगाया जाए जो एक सीजन में एक साथ खिले, खिल के पूरा जब खूबसूरत खिलेगा उस समय की खूबसूरती उसकी बढ़ेगी और देखेगा लोग। और इस टाइप का एक नया प्रयोग भी होगा, मतलब एक तरह से कि भाई ऐसा बनाया जा सकता है एरिया को, तो इस टाइप से। लेकिन वहाँ पे कोई नहीं सोचा, ऐसा विजन ही नहीं है ना, विजन रहेगा तब तो कुछ करेगा आदमी। आपसे समझना चाहेंगे, एक बार मैंने भी आपसे एंटील के बारे में पूछा था, कैसे खोजा था उसको और कैसे ये तय हुआ कि वो सबसे टॉलेस्ट है इंडिया का? उसमें देखिए, आप कहीं से आप गुजरिएगा तो खुद आपको लग जाएगा कि ये चीज़ यूनिक टाइप से है, आपको खुद आप महसूस खुद भी कहीं पे किए होइएगा। तो हम जंगल में बहुत चीज़ ढूंढने के लिए, जैसे हम इंसेक्ट ढूंढने के लिए जाते हैं तो बहुत तरह तरह का चीज़ दिखता है हमको, तो उसको हम कैच करके फोटोग्राफ्स के माध्यम से लाते हैं। तो हमको लगा कि एंटील थोड़ा यूनिक टाइप का, साइड भी उसका बड़ा लगा, और बचपन से जंगल में ही हम रहे तो जंगल में देखते देखते अंदाज हो गया था कि सच में बड़ा है। फिर उसको फोटोग्राफ्स के माध्यम से हम भेजे और उसको बहुत सारे जगह, केवल वहाँ ही नहीं भेजे, हम और भी जगह भेजे, जैसे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भेजे। तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि जैसे कोई भी चीज़ हम ढूंढते हैं तो आप यहाँ पर, आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमको उसका आइडेंटिफिकेशन या उसको उसका नाम खोजने में प्रॉब्लम होता है। अब एंटील के बारे में हम दिए तो कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आया, मतलब कि यहाँ पर हम फॉरेस्ट रिसर्च जो देहरादून को भी हम इवन की उनका बारे में डिटेल भेजे थे तो कहीं विदेश से बल्कि आया, वो लोग पूरा एंट का प्रजाति से लेकर सब चीज़ बता दिया और विद इन 5 घंटा 4 घंटा में पूरा मेल का जवाब आने लगा। इंडिया से आज 6 साल 10 साल हो गया, आज तक एक भी आदमी उसका रिप्लाई हमको नहीं दिया कि क्या है नहीं है, जबकि जापान से आया, जर्मनी से आया कि मिस्टर शर्मा सच टाइप ऑफ पेंट ऐसा बनाता है, वहाँ पेंट का ही पड़ जाती होगा, ऐसे होगा। तो सोचिए कि मतलब हम कितना, मतलब हमारा क्या सोच है, किस सोच के तहत हम सोचते हैं कि हम आगे बढ़ें और क्या करें। ठीक है, आप कुछ नहीं, आप कम से कम आप उसको कम से कम ये तो बोल सकते थे कि आपका मेल मिला हमको। आपको जान के एक बात और आश्चर्य होगा, बिल्कुल प्रैक्टिकली बात हम बता रहे हैं कि रॉयल इंसेक्ट ऑफ लंदन करके एक सोसाइटी है जो इंसेक्ट का सबसे बड़ा सोसाइटी है वो लोग का, वर्ल्ड का। तो उसमें फेलोशिप या उसका मेंबरशिप के लिए जब आप हम अप्लाई किए
तो वो लोग बोला कि आपको हम लोग मेंबरशिप देंगे, आप पिछले 5 साल का हमको अपना वर्क का सीडी और वर्क का ही बना के भेजिए, सो जो भी फोटोग्राफ्स है जो भी आप वर्क करते हैं ठीक। और यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे एक छोटा चीज़ के लिए भी हम भेजते हैं, आप साइंस ग्रेजुएट हैं कि आर्ट्स ग्रेजुएट, कहाँ से आप किए, कितना पढ़े, कितना एजुकेशनल को आपका काम के बारे में आज तक कोई नहीं पूछा कि आप क्या काम किए, बस आपकी पढ़ाई कितनी है, आप कितने पढ़े हो, तो देखिए दोनों में कितना उनका है कि नहीं आप पढ़े हो, इससे कोई मतलब नहीं, आप आर्ट्स पढ़े हो, आप 5 साल का काम का हमको ही बताओ कि आपने इस पर कितना काम किया। तो थोड़ा सा तो हम लोग को दुख लगता है, लेकिन अब हम नहीं लगता है इसलिए कि अब उस स्टेज को पार कर चुके हैं हम आज के डेट में। हमारा काम का जरूर कहूँगा मैं कि हजारीबाग के लोग आपके काम को समझते हैं, आपने बहुत सारी चीज़ों से हमें परिचित कराया है, आपने एक प्रदर्शनी भी लगाए थे अपनी फोटोग्राफी की झील पे जी, इसको लेके काफ़ी चर्चाएं भी हुई थी जी जी। समझना चाहेंगे आपने इतना काम किया, इतने सारे फोटोग्राफ्स लिए हैं कैनरी से लेके अलग अलग स्पॉट्स पे, तो क्या कभी कोई ऐसी योजना है कि एक किताब के तौर पे उनको लेके आए बच्चों के लिए, ताकि वो भी नेचर को समझ सके, वो जान सके कि उनका ये जो पूरा हजारीबाग है, ये जो अपना हजारीबाग है, ये काफ़ी समृद्ध है। उसमें विश्वेंदु जी कनहरी पर हम एक एग्जीबिशन लगाए थे, उसका नाम ट्रिब्यूट टू कनहरी करके हम दिए थे, ट्रिब्यूट टू कनहरी करके, और वो मतलब झारखंड का वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्जीबिशन था किसी एक सब्जेक्ट पे। हम नई पीढ़ी को बताना या किसी को बताना चाह रहे थे कि एक चीज़ के बारे में कितना ज़्यादा अगर विजन रखा जाए अच्छा, तो उसके खराब, उस समय 4 लेन का काम चल रहा था जब हम एग्जीबिशन लगाए थे, उसके बाद भी हम बताना चाह रहे थे कि आज भी कनहरी कितना खूबसूरत है, जो हम मान लेते हैं कि कनहरी के किनारे से रोड निकल गया तो कनहरी बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं है। तो उस एग्जीबिशन को हम लगाए थे, उसमें हमारे पीछे यही था तक कि कोई भी एक चीज़ को आप उसको कर सकते हैं, कोई भी काम को अगर आप में इच्छा शक्ति हो। और हमने 150-200 फोटोग्राफ्स का लगाया था, जो भी LED पोल है उस पर बांधा था, और उसका ट्रिब्यूट टू कनहरी का अच्छा रिस्पांस भी मिला था। विश्वेंदु जी आपने अच्छा कवरेज भी दिया था अपने टेलीग्राफ न्यूज़पेपर में उसका, और उसका अच्छा रिस्पांस मिला था। और एक एग्जीबिशन हम लोग आंध्रे हाउस में लगाना चाह रहे थे, और अभी वो हमारा चूँकि कोरोना के चलते वो प्रोजेक्ट हमारा ये हो गया, लेकिन हम उनमें बात कर लिए तो वो लोग एग्जीबिशन बायोडाइवर्सिटी पे हम लगाना चाह रहे हैं। तो उसमें क्या है कि नई पीढ़ी को हमें बताना चाह रहे हैं कि नई पीढ़ी के पास काम करने के लिए बहुत सारा चीज़ है। आप एक चींटी पर भी, एक आपको विश्वास होगा, एक एक छोटे छोटे एक चींटी पर हम एक आदमी को बता दिखा सकते हैं फॉरेन में, यूरोपियन जो 25 साल से एक चींटी पे वर्क कर रहा है वो लोग, और चींटी का लिफ्टिंग का पावर जो भी है। इंसेक्ट के बारे में एक चीज़ और आपको बता दें कि इंसेक्ट जो भी हमारा इनोवेशन है मैकेनिकल इनोवेशन, उसमें 80% इंसेक्ट से ही इनोवेट को के आइडिया मिला है। जो भी लिफ्टिंग का, वेट लिफ्टिंग का चिट्टी से मिलता है, जैसे जैसे भी मशीन बना हो या जो भी बना हो, सारा इंसेक्ट से ही प्रेरणा लेके बनाया गया है। तो इंसेक्ट का इतना बड़ा योग, बड़ा जानवर का योगदान नहीं है। कैमोफ्लेग का आप देखिए, कैमोफ्लेग है, डेल्टा विंग, जो मौत में जो डेल्टा विंग मिलता है, जो डेल्टा विंग का फाइटर प्लेन आजकल बनता है, जो उसमें सुनते होंगे डेल्टा विंग है, जैसे अभी भी जो राफेल आया है उसमें भी डेल्टा विंग लगा हुआ है, तो इस तरह से मिलता है सब चीज़। तो आप उसको ध्यान से देखेंगे, नए पीढ़ी के बच्चे तो बहुत ज़्यादा चीज़ सीख पाएंगे उससे। चलिए उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी आप ऐसे ही नए नई खोज करते रहेंगे और हमें रूबरू कराते रहेंगे। तो ये थे पर्यावरणविद मृत्युंजय शर्मा जी, अगली बार फिर किसी नए शख्सियत के साथ आपसे मिलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।